वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसएससी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट टू करवाने जा रहा हूँ। ये जो वर्कशीट टू है ये आपके सेवन क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट है। तो आओ हम जान लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, ठीक है। तो आपको इसमें जो है पैसेज दे रखी है और आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, वो उसको आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। और कॉपी पे कैसे करना है मैं आपको ये भी बताऊंगा। देखो थ्री क्वेश्चन आपका लेसन है। तो पहले क्वेश्चन बोला गया मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। आपको जो वर्ड दे रखे हैं उसको पिक्चर से मैच करने हैं। जैसे किंगडम लिखा है, किंगडम मतलब तो साम्राज्य, राज्य यानी कब इससे मैच कर दोगे, ठीक है। और किंग मतलब होता है बादशाह, बादशाह मतलब जो राजा है, तो आप इसे मैच कर दोगे। लेकिन अब आप कॉपी पे कैसे बनाओगे, एक हल्का सा पर्सन बना देना, उसके ऊपर मुकुट बना देना जैसे वो लगे कि हम वो किंग है, और ऐसे ही बिल्डिंग बना देना और उसमें लिख देना किंगडम, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर लेना। फिर सेकंड है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ये कह रहा है पैसेज को पढ़ो और फिर इसके आंसर देना। देखो मैं आपको पैसेज समझा रहा हूँ, अच्छे समझाऊंगा, आप सारे आंसर जो है ना वीडियो को रोक के देखना, ठीक है, और करना, ठीक है। और उसके बाद में आप चला देना या देखना कि कितने आंसर सही निकले हैं, क्योंकि अगर आप कॉपी पेस्ट कर दोगे तो फिर आप कहाँ से सीखोगे, ठीक है। तो मेन हमारा मकसद क्या है, आपका सिखाना, ठीक है, आपको सिखाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरा मकसद है। नेक्स्ट है, अब पढ़ लेते हैं पैसेज। इट वंस अकर्ड टू अ सर्टेन किंग। एक बार क्या हुआ, वंस मतलब एक बार, अकर्ड मतलब होता है घटना, घटना कोई, ठीक है, या कुछ बात होना। तो सर्टेन किंग दैट इफ यू ऑलवेज न्यू द राइट टाइम। एक राजा के साथ हुआ कि अगर वो उसे राइट टाइम पता लग जाए, क्या पता लग जाए, राइट टाइम पता लग जाए किस चीज का, टू बिगिन एवरीथिंग, किसी भी चीज को शुरू करने का अगर उसको राइट टाइम पता लग जाएगा, ठीक है। एक को ये जानना चाहता है, दूसरे को जानना चाहता है इफ यू न्यू हु आर द राइट पीपल, राइट पीपल कौन है जिसकी उसको सुननी चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट बोला है और किसको, ये इसी के अंदर है, whom to avoid, ये इसी के अंदर है, मतलब किसकी सुने और किसको अवॉइड कर दे, ये राजा सोच रहा है। Above all, if you always knew what was the most important thing to do, और कह रहा है कौन सी most important thing है करने के लिए, ठीक है। तो पहला क्या है, right time किसी को शुरू करने का, right people जिसकी सुननी चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है, most important thing, ठीक है, ठीक है, जो उस समय उसे करनी है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसने बोला अगर वो ऐसा करेगा तो कभी फेल नहीं होगा, अगर उसे तीन क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं तो वो कभी फेल नहीं होगा। तो एंड दिस थॉट हैविंग अकर्ड टू हिम, जब उसके साथ ये इसके थॉट मतलब होता है जो विचार जब उसके साथ ये घटित हुआ, जो उसके दिमाग में आ गया, ही हैड इट प्रोक्लेम। प्रोक्लेम का मतलब होता है आप कोई घोषणा करने जा रहे हैं, यहाँ पे कौन कर रहा है, किंग कर रहा है, थ्रू आउट मतलब हर जगह, ठीक है, इस किंगडम अपने साम्राज्य में, ठीक है, इस लड़के के लिए लगाते हैं, हर लड़के के लिए लगाते हैं, हिज लगाया गया, दैट ही वुड गिव अ ग्रेट रिवॉर्ड। देखो वो रिवॉर्ड नहीं बता रहा कौन सा देगा, और उसने इतना बोल दिया कि वो ग्रेट रिवॉर्ड देगा। ग्रेट में बिल्डिंग दे सकता है, लैंड दे सकता है, गोल्ड दे सकता है, कुछ भी दे सकता है प्यारे बच्चों, ठीक है। हु टीच हिम व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, जो उसको बताएगा ना, जो उसको सिखाएगा कि राइट टाइम कौन सा है, ठीक है, राइट टाइम कौन सा भी हमने पढ़ा था, ठीक है, किसी चीज को शुरू करने का, और वो पीपल कौन है जिसकी उसको सुननी चाहिए, ठीक है। और तीसरा क्या है, वो कौन सी मोट थिंग है जो उसे करनी चाहिए। अगर जो इसको तीनों क्वेश्चन का आंसर देगा उसको बहुत बड़ा रिवार्ड देगा। अब आपकी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, अब पहले आप अपने आप करना, फिर उसके बाद जो है मैच कर देना। हु वॉन्टेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, ये कह रहे कौन जाना चाहता था कि राइट टाइम को, तो कौन जाना चाहता था, नेक्स्ट है व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर आंसरिंग थ्री क्वेश्चन, क्या रिवार्ड मिलेगा, सम गोल्ड, लैंड ओन्ड बाय द किंग, या नो रिवार्ड, कुछ सोना देगा, जमीन देगा, या कोई रिवार्ड नहीं देगा। तो आप दोनों आंसर पे टिक करोगे, क्योंकि उसने यहाँ बताया ही नहीं था कि कौन सा रिवार्ड देगा, उसने तो बोला ग्रेट रिवार्ड, क्या देगा, ग्रेट रिवार्ड, ये लिखा है ना, देखो बच्चा ग्रेट रिवार्ड है ना। नेक्स्ट है तो वर्ड प्रोक्लेम का क्या मीनिंग है, मैंने आपको क्लियर कर दिया, अनाउंसमेंट करना, तो इसका ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल द थ्री आंसर ही वुड, अगर राजा ने क्या सोचा, अगर उसको तीनों आंसर मिल जाएंगे तो क्या होगा, वो कभी फेल नहीं होगा, ए आंसर आएगा, नॉट फेल एट एनीथिंग, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है द थ्री क्वेश्चन द किंग वांटेड टू नो वर, एक बात और, जिन बच्चों के आंसर सही है, बिल्कुल सही, एक्सीलेंट, ठीक है। व्हाट वाज द राइट टाइम, बताओ क्या था, राइट टाइम था या ईयर था, टाइम, ठीक है, जिसका टाइम है, जिसे टाइम लिखा, वेरी गुड, एक्सीलेंट। दूसरा है हु वाज द राइट, कौन था,
कौन से पर्सन था जिसको सुननी चाहिए, पर्सन या मदर, तो पर्सन की होगी, मदर के अंदर तो ठीक है मदर ही है लेकिन पर्सन में मदर भी आ जाएगी, उसमें सभी व्यक्ति आ जाते हैं। व्हाट वाज द मोस्ट, क्या था, इम्पोर्टेंट था या डिफिकल्ट था, तो आप क्या लिखोगे, इम्पोर्टेंट थिंग था। इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी, बाकी मैंने प्ले लिस्ट में बहुत सारी वर्कशीट बना रखी है, आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।